अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन ऑफ ईयर 2022, जो कि आज ही कंडक्ट करवाया है FPSC ने, और ये बैच 2 के लिए कंडक्ट होने वाला एग्ज़ाम है। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज़ करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO इज़ कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, और एंटोनियो गुटेरेस जो है ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो कि 1 जनवरी 2017 से ऑनवर्ड्स अभी तक सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। बाकू का कैपिटल पूछा हुआ था, किस कंट्री का कैपिटल है सवाल ये था, तो आज़रबाइजान का कैपिटल है। विच स्टेट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी? तो नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी के जो मेंबर्स नहीं हैं, इनमें से नॉर्थ कोरिया था ऑप्शंस में, ये राइट आंसर था। जो बाकी के मेंबर्स हैं, जो कि जिन्होंने NPT को ज्वाइन नहीं किया, इंडिया, इज़राइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और साउथ सूडान, इन्होंने अभी तक नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, ठीक है। करंट US प्रेसिडेंट कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो बाइडन जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, 46th प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और इन्होंने ओथ कब लिया था? January 20th, 2021 को। प्रीवियसली ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्ज़ाम में कि जो बाइडन ने ओथ कब लिया था, ठीक है, तो 20 जनवरी 2021 को। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। हाया सोफिया टर्न टू मॉस्क इन विच ईयर? अच्छा, अब हाया सोफिया जो है कौन से साल में मस्जिद में इसको तब्दील किया गया है? इसको 2021 में मस्जिद में तब्दील किया गया है। 1500 साल पहले ये मस्जिद बनाई गई थी, इसको बनाया गया था, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथेड्रल के लिए जो है वो इसको बनाया गया था। और फिर उसके बाद जब ओटोमन एम्पायर ने इस पर कब्ज़ा किया, तो फिर इसको मस्जिद में तब भी तब्दील किया गया, लेकिन और फिर 1934 में इसको म्यूज़ियम बना दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद अब 2021 जो है ये करेक्ट आंसर था, 2021 में इसको मस्जिद में तब्दील किया गया है। इजिप्ट के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन से हैं? तो हसनी मुबारक जो है, दैट वाज द करेक्ट आंसर। हसनी मुबारक जो है वो 30 साल के लिए रूल में रहे हैं, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, ठीक है। बाकी कुछ डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। करतारपुर जो है ये इंडिया वाली साइड पर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो करतारपुर जो है ये जलंधर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जलंधर डिस्ट्रिक्ट वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है जमाल खशोगी इज़ डैश हु वाज असैसिनेटेड, ये कौन थे? ये जर्नलिस्ट थे, और US बेस्ड जर्नलिस्ट थे सऊदिया के, ठीक है, जिनको सऊदिया पर क्रिटिक करने की वजह से बाद में जो है वो असैसिनेट किया गया है, और थे राइट आंसर जो है वो इस ऑप्शन का क्या था? सऊदिया अरेबिया, ठीक है। विच कंट्री शिफ्टेड इट्स एम्बेसी टू द यरूशलम? तो यरूशलम में किसने अपना एम्बेसी जो है वो शिफ्ट किया है? यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने USA का जो एम्बेसी है इसको यरूशलम में रीलोकेट किया है, वहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया है, ठीक है। विच कंट्री डिक्लेयर टू शट डाउन न्यूक्लियर प्रोग्राम बाय 2025? तो बेल्जियम जो है इसका करेक्ट आंसर था, बेल्जियम विल शट डाउन ऑल 7 ऑफ इट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2025, ठीक है। रीजन तिब्बत इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ विच कंट्री? तो तिब्बत जो है करंटली अभी चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है, चाइना वॉज द करेक्ट आंसर। सिनकाकू आइलैंड्स इन साउथ चाइना सी आर डिस्प्यूटेड इन बिटवीन विच कंट्रीज़? ठीक है, दो कंट्रीज़ जिनके दरमियान में सिनकाकू आइलैंड्स का जो है झगड़ा है वो जापान और चाइना है, ठीक है, जापान एंड चाइना वॉज द करेक्ट आंसर। डॉटर ऑफ ईस्ट किसकी किताब है? ये बेनज़ीर भुट्टो की किताब है। हेडक्वार्टर्स ऑफ UNO इज़? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यूजिंग कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन इंडिया विल अटैक पाकिस्तान थ्रू?
ओके, स्ट्रेटेजिक जो है वो इसका सही जवाब था। स्ट्रेटेजिकली इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। अब कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है क्या? ये बेसिकली मिलिट्री डॉक्ट्राइन है दैट वाज डेवलप्ड बाय एन इंडियन आर्म्ड फोर्स। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस व्हाट? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदीया इज मोहम्मद बिन सलमान अल साउद, ठीक है। हु वोन ICCU19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2020? तो बंग्लादेश ने जो है भी ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है जीता था, ठीक है। मॉन्टगोमरी बस बायकॉट वॉज लॉन्च्ड इन 1 दिसंबर 1955 को मॉन्टगोमरी बस बायकॉट हुआ था, कहाँ पर? USA में, ठीक है। और बाद में US सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रूलिंग भी दे दी थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अयूब खान रिमेन प्राइम मिनिस्टर फॉर, इसका इसके ऑप्शंस थे फॉर मैनी डेज या फॉर मैनी ईयर्स या फॉर मैनी मंथ्स, ठीक है। तो अयूब खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं फ्यू डेज के लिए, 7 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर 1958 तक, ठीक है। सरागरी बैटल वॉज फॉट बिटवीन किन दो ग्रुपों के दरमियान में हुई थी? ब्रिटेन और अफगानिस्तान के ट्राइब्समैन के दरमियान में हुई थी। और बाकी इसकी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। लियाकत अली खान ज्वाइंट मुस्लिम लीग इन विच ईयर? तो 1923 में लियाकत अली खान ने जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। दिल्ली पैक्ट वॉज साइंड इन कौन से साल में? 1950 में किया गया था, ठीक है। इसको लियाकत नेहरू, आई एम सॉरी फॉर द थ्रोट इशू, लियाकत नेहरू पैक भी इसको कहते हैं, ठीक है। अलामा इकबाल ज्वाइन मुस्लिम लीग ऑन 1926 जो है इसका सही जवाब था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ द वेस्ट पंजाब इज सर फ्रांसिस मोडी, इसका जो है वो सही जवाब है। इबलीस की मजलिस शुरा वॉज रिटन बाय अलामा इकबाल। मलिक बरकत एंड गजनफर अली वर इलेक्टेड एज द कैंडिडेट्स ऑफ मुस्लिम लीग इन विच ईयर? अब ईयर पूछा हुआ था, 1937 इसका जो है वो सही जवाब था। सिर्फ दो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्ट हुए थे 1937 के इलेक्शन में, और उनका नाम जो है वो मलिक बरकत और राजा गजनफर है। मदन लाल धींगड़ा किल्ड डैश इन 1909। 1909 में मदन लाल धींगड़ा ने किसका कत्ल किया था? कर्जन वायली का, ठीक है। ये सही जवाब था। डैश वॉन पिशावर मेयर सीट इन 2021। तो जमात इस्लामी के जो हैं ज़ुबैर अली, उन्होंने मेयर की सीट जीती है, ठीक है। नवाए वक्त वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 1940 इसका जो है वो सही जवाब था। और इसने जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी कि रहमान बाबा जो हैं वो सूफी पोइट हैं कौन से दौर के? तो अब्दुल रहमान मोहम्मद रहमान बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं ये मुग़ल एरा में थे। मुग़ल एरा जो है वो इसका सही जवाब है, ठीक है। मिलिट्री ऑक्यूपाइड म्यांमार इन विच ईयर? तो 2021 फेबररी में मिलिट्री ने म्यांमार में ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। जमाल खशोगी वॉज डैश हु वॉज असासिनेटेड, ये पूछा गया था कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। ये जर्नलिस्ट थे, ठीक है, सऊदी अरेबिया के जर्नलिस्ट थे। इन मुस्लिम हिस्ट्री हु इज़ नोन एज द फर्स्ट मुस्लिम सोशलिस्ट? तो हज़रत अबू ज़र गफारी जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, और उनको जो है वो फर्स्ट मुस्लिम सोशलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हीलियम वॉज फर्स्टली फाउंड इन, अब इसके ऑप्शंस थे स्पेस में सबसे पहले मिला था या मेटल में या किसी और जगह पर। तो स्पेस जो है वो इसका सही जवाब है। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ, वियना जो है ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ये फेडरल कैपिटल भी और लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ है, और इसकी जो पॉपुलेशन है 1.9 मिलियन तक है। डैश इज एम्बी डेंटेट लेगनार्ड,
ये कोई साइंटिफिक नेम ही है आई थिंक किसी चीज़ का, तो ये पूछा गया था कि ऑप्शंस में से कि इनमें से कौन सा जो है वो एम्बिडेंटेट है लिग्नार्ड, और ये सी एन साइनाइड जो है ये इसका दुरुस्त जवाब था। ठीक है, पायरीडाइन इज डैश डोनर लिग्नार्ड, तो पायरीनाइड इज सिग्मा डोनर लिग्नार्ड। कासिम सुलेमानी वॉज द लीडर ऑफ, ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर थे हु सर्व्ड इन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ठीक है, और IRGC के लीडर थे, ये इसका दुरुस्त जवाब है। इसके अलावा हिजबुल्ला और एक ईरानियन रेवोल्यूशनरी पूछा हुआ था, लेकिन इसका जो सही जवाब है दैट इज़ IRGC। बाय एरिया लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ रशिया, रशिया इसका सही जवाब है, और मैंने इसका जो है वो एरिया भी लिखा हुआ है, ये भी याद रखें। लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इज़, ये अभी कल जो पेपर हुआ है इंस्पेक्टर का उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो टेम्परेचर कभी रिकॉर्ड किया गया है वो कितना है, तो आज के पेपर में भी ये सवाल आया हुआ था, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है वो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, जो कि आज तक का लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, अंटार्कटिका में 21 जुलाई 1983 को। फर्स्ट ब्रिज मेड बाय द रिसाइकल्ड प्लास्टिक इज इन विच कंट्री, तो स्कॉटलैंड ने जो है ये ब्रिज बनाया है प्लास्टिक को रिसाइकल करके। ठीक है, और पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में भी एक रोड बनाया गया है प्लास्टिक को रिसाइकल करके। ठीक है, क्लोराइड आयन एंड आर्गन आर, इसके ऑप्शंस में एक तो था कि ये आइसोटॉप है, और इसके अलावा दो तीन ऑप्शंस हैं वो मुझे याद नहीं है सही तरह से, लेकिन अगर आप में से किसी को इसका सही जवाब भी याद है और ऑप्शंस भी याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे इसका जवाब नहीं मिला और मुझे सवाल भी सही तरह से याद नहीं है। ठीक है, विच इज़ बिगर बिटवीन क्लोराइड आयन एंड ऑर्गन, सी आई हैज़ अ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस देन ए आर बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन ए आर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं आया था, ये मैंने कॉपी पेस्ट करते हुए जो है वो इंटरनेट से आंसर्स को कॉपी पेस्ट करते हुए गलती से इसको मेंशन कर दिया है, अदरवाइज वैसे भी आप इसको देख लें सही है, ये जवाब मैंने सही लिखा हुआ है गूगल से देख के। ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स फॉलो विच लॉ, तो केपलर्स फर्स्ट लॉ जो है दैट इज़ फॉलोड बाय दी मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, ये वाला लॉ फॉलो करते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से था, तो उसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इंक्लूड्स किंगडम प्रोटेस्टा इंक्लूड्स ऑल यूकेरियोट्स दैट आर नॉट एनिमल्स प्लांट्स और फंजाई। ठीक है, ये इसका जो है वो दुरुस्त जवाब था। कॉन्चिंग ऑफ चॉकलेट रिजल्ट्स इन, इसके ऑप्शंस जो है वो मुझे नहीं मिले और मुझे याद भी नहीं थे, तो अगर आप में से किसी को एग्जैक्टली याद है तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज़ ये गूगल करें तो ये आंसर जो है वो दिस इज़ एन एसेंशियल इन चॉकलेट प्रोसेसिंग प्रोसेस बिकॉज इट रिजल्ट इन अ स्मूथ चोको मैस विद द डिस्टिंक्टिव अरोमा एंड टेस्ट। आई डोंट नो व्हाट वाज द ऑप्शंस। नेक्स्ट है जी, हायर रिड्यूसिंग शुगर इन फ्रूट जेली रिजल्ट इन दी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, इसके भी ऑप्शंस जो है वो मुझे याद नहीं है, अगर आप में से किसी को एग्जैक्टली आते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। पाकिस्तान प्योर फूड एक्ट सेज दैट द फूड कंटेंट इन दी जैम, आई थिंक पूछा हुआ था कि जैम में कितना फूड कंटेंट होना चाहिए, और 49, 45 और 50 इसके जो है ऑप्शंस थे, तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो मुझे नहीं याद था, तो अगर आप में से किसी को याद है इसका सही वाला आंसर क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर टुडेज़ वीडियो बिकॉज ऑफ माई थ्रॉट इशू। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।